और अभी यहाँ से पेट्रोल भी लीक हो रहा था, मैंने अभी जस्ट नॉब बंद किया, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से पेट्रोल निकल रहा है। अभी मैं यहाँ पे मैकेनिक के पास आया हूँ और यहाँ अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल अभी भी बारिश से भरे हुए हैं। पता नहीं बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी, लेकिन हम लोग को तो निकलना है। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद एस, और हम लोग आज निकल रहे हैं। बहुत दिनों से वेट कर रहा था कब बारिश रुकेगी तब मैं निकल पाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, और त्रिपन्ना का भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पर रहता था जिसके लिए मुझे रहना यहाँ पर ज़रूरी था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा था। बट अभी फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि निकलते हैं। वैसे पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। एक्चुअली ये जो ब्लॉग है ये मैं शूट करने वाला था फ्राइडे को, मतलब ये राइड पे मैं फ्राइडे को निकलने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मैं नहीं निकला। और इनफैक्ट सुबह तो इतनी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन 11-12 बजे के बाद बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं निकला, नहीं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फंस जाता था मैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज निकल जाते हैं। तो आज है डे फ्राइडे और डेट है 21st, टाइमिंग हो रहा है मॉर्निंग 11:36, और हमारा जो डेस्टिनेशन है 100 किलोमीटर ही है, ज़्यादा कोई टाइम लगने वाला है नहीं। पहले हम लोग कार लेके जा रहे थे, मैं त्रिपन्ना को भी लेके जा रहा था, बट फिर मुझे लगा कि और त्रिपन्ना का भी आने का इतना मन नहीं है क्योंकि बारिश में वो ज़्यादा करके बाहर निकल रही नहीं है, तो मैंने सोचा फिर कार से क्यों बाइक से क्यों ना जाए, क्योंकि गोरेगांव मलाड में तो मुझे पता है कि बारिश नहीं है या कम है, वाटर लॉगिंग का भी पता नहीं, लेकिन जैसे टूवर्ड्स हम भाईंदर जाएंगे तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो सकती है, और कार लेके जाने में इसी चीज़ का मुझे डर लगता है, लेकिन मेरी NS को मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, तो इसलिए हम लोग NS लेके जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे टॉप बॉक्स रेडी कर दिया है, इस टॉप बॉक्स को बस अपनी बाइक पे फिक्स करना है, रेनकोट वगैरह पहनना है और फटाफट यहाँ से निकलना है। तो बाकी बातें हम लोग करेंगे बाइक पे, बहुत सारी चीज़ें बतानी, बहुत सारी चीज़ें इतने दिनों के बारे में आप लोगों से शेयर करनी है, तो बाइक पे सीधा सीधा बात करेंगे। तो बाइक पे मैं टॉप बॉक्स फिक्स करता हूँ, खुद रेडी हो जाता हूँ। पहनने के लिए मैंने बेसिक नॉर्मल टी शर्ट पहन लिया है, क्योंकि कहीं पर अगर धूप मिल गई या जहाँ पर बारिश नहीं होगी तो क्या रेनकोट की चेन खोल देंगे और अच्छा खासा टी शर्ट सूख जाएगा, और कोई हैवी टी शर्ट फुल लेंथ फुल स्लीव टी शर्ट वगैरह पहन लिया तो सूखने में तकलीफ होगी। मुझे पता है बारिश तो मिलने वाली है, तो प्रिपेयर करके चल रहे हैं। आज की राइड होना पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी जस्ट मैं गोरेगांव ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, तभी रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक बोल रहा है भाई गाड़ी में अभी बारिश में तो चेक नहीं कर सकते, और अभी यहाँ से पेट्रोल भी लीक हो रहा था, मैंने अभी जस्ट नॉब बंद किया, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से पेट्रोल निकल रहा है, क्योंकि मुझे वो ठंडा फील हो रहा है, तो पता नहीं चल रहा पेट्रोल कहाँ से लीक हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग गाड़ी कहीं पर छोड़ सकते हैं, गाड़ी अभी मुझे मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा, और मैकेनिक यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है। एक्चुअली यहाँ पे बाजू में भी मैकेनिक है, लेकिन वो नमाज पर गए, तो इतने देर में वेट नहीं कर सकता हूँ। और जो अपना मैकेनिक है वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है, जो मुझे धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा प्लान ऐसा था कि मैं गाड़ी यहीं कहीं पर छोड़ दूँगा और रात को आराम से धक्का भी का मार के लेके जाऊँगा, बाद में अपन आराम से चेक करेंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। सबसे पहले मैकेनिक के पास गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा, तो गाड़ी के पास पहले मैकेनिक को लेके जाते, आई मीन थक गया हूँ, मैकेनिक के पास गाड़ी को लेके जाते हैं, देखते फटाफट पहले पेट्रोल निकाल लेते हैं गाड़ी से, तो पेट्रोल निकालना बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं यहाँ पे मैकेनिक के पास आया हूँ, और यहाँ पे लोग कार्बोरेटर खोल रहे हैं, बहुत टाइम से गाड़ी नहीं चलाया था ना, तो वही बोल रहे लोग कि कार्बोरेटर में कचरा आया होगा या रस्ट की वजह से इशू हो सकता है, देख लेते अभी क्या है। तो फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ, और आप लोगों ने देख लिया गाड़ी के साथ क्या हुआ। ब्लॉग की शुरुआत तो हम लोग ने राइड के लिए की थी, लेकिन एंड ये बाइक रिपेयरिंग से हो गया। सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन देखो एक राइडर की और एक राइडिंग की ये भी सच्चाई है कि क्या पता किस टाइम पे क्या हो जाए। मैं सुबह के 11:30 कुछ निकला था, और अभी 4 बज रहे, तो ये सारा टाइम जो मेरा गया वो रिपेयरिंग में गया है। आप लोगों ने देखा जो मेरा कार्बोरेटर में कुछ तो एक पिन था जो रस्ट की वजह से कट गया था, तो पिन नया डालना पड़ा, बट फिर भी गाड़ी मिसिंग कर रही है, तो मैकेनिक का बोलना ये है कि शायद CDR में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिलहाल तो हम लोग चला रहे,
अगर कंटिन्यूस मिसिंग आता रहा तो फिर CDR चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिपेयरिंग वगैरह होता नहीं है। तो बस भाई यही सब कुछ था आज के दिन में। अभी मैं क्या ही शेयर करूँ और क्या ही बताऊँ, जो कुछ भी बता पाया मैंने। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कहीं पे भी फ़ोन नहीं निकल पा रहा था, इसलिए ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। बट पूरी कोशिश की कि जहाँ पे भी जो भी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ वो मैंने करी है। तो ये ब्लॉग को अभी यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग से कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझने मिला हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये राइड जो हम प्लान किया था वो कैंसिल नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि अब नहीं करने वाले। बाइक से नहीं तो कार से चले जाएंगे, कार से नहीं तो एक्टिवा से चले जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और बाइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बाइक से ही चले जाएंगे। तो राइड तो आने वाली है, तो अगर वो राइड देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एंड करते हैं ये ब्लॉग को। आपका ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ स्टे सेफ।